नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं वो है बिबकॉक के बारे में। दोस्तों जी हां दोस्तों, आजकल जो बिल्डिंग में जो बिबकॉक लगते हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। दोस्तों, आप सब प्लम्बर भाइयों को तो मालूम ही होगा कि बिबकॉक में जो है वो दो वैरायटी आती है, एक है फॉर्मफ्लो बिबकॉक और एक है रेगुलर बिबकॉक। तो दोस्तों, आज मैं आपको उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा बिबकॉक बेस्ट होता है प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए, और उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि किस लिए बेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये आपको आज दिखाई दे रहे हैं, आपको सामने दो नल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक रेगुलर वाला है, एक फॉर्म फ्लो वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फॉर्म फ्लो वाला जो है वो बिबकॉक के बारे में मैं दिखाऊंगा। तो जो फॉर्मफ्लो बिबकॉक होता है दोस्तों, इसमें जो पानी अपना जो पानी का फ्लो होता है वो एकदम वाइट दूध के जैसा गिरता है पानी, और जो रेगुलर वाटर जो बिबकॉक का होता है वो अपना पानी, जो रेगुलर पानी होता है नॉर्मल पानी, उसके जैसा दिखता है और वैसा ही गिरता है पानी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये जो फॉर्मफ्लो बिबकॉक है इसमें जाली होता है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो होता है फॉर्मफ्लो बिबकॉक का ये जाली है दोस्तों, ये देखिए। इसी के वजह से जो अपना पानी है दोस्तों वो दूध के जैसा और व्हाइट कलर में आता है दोस्तों, ये इसका रीजन ये है। ये दोस्तों, ये जो पार्ट होता है नल में, ये ऊपर साइड होता है, देखिए कितने बारीक बारीक इसमें आपको दिख रहे होंगे छेद हैं। तो ये दोस्तों, जो ऊपर से कचरा वगैरह आता है तो वो यहीं ऊपर ही रह जाता है आपको, तो उसके वजह से ये जाली लगा के दिया हुआ है कि कचरा आपको पानी में नहीं मिले। तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक जो है वो छनके ही आता है पानी आपका, इधर जो है कचरा आपका जमा हो जाता है ये जाली में आपका, और उसके बाद जो है वो यहाँ से पानी आपका निकलता है। देखिए बारीक बारीक होल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से जो है आपका वो पानी है जो निकलता है। तो ये है वो जाली है दोस्तों, तो इसी के वजह से जो है आपका जो फॉर्म फ्लो नल में से पानी का प्रेशर है वो वाइट आपको दिखाई देता है और प्रेशर में आता है लगा दो। तो ये जैसा था वैसा ही हम इसको लगा के उसमें फिट कर देंगे, उसका वाइसर दिया होता है दोस्तों, वो लगा के उसको लगाना होता है। तो ये रहा अपना फॉर्म फ्लो वाला नल, और वही हम रेगुलर में देखने जाएंगे तो उसके नीचे जो है वो जाली वगैरह नहीं होता है, जो उसमें फॉर्म फ्लो जाली था वो इसमें नहीं है, डायरेक्ट इस पे पानी आता है। तो जो डायरेक्ट पानी आता है वो रेगुलर वाटर के जैसा लगता है, जैसा नॉर्मल पानी रहता है वैसा गिरता है। तो अभी आपको मैं जो डिफरेंस था वो भी बता दिया हूँ, अभी आपको एक बार जो लाइव टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा दोनों का, जो पानी का प्रेशर है और जो दोनों का पानी का कलर है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा यूज करके पानी का प्रेशर, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम जो है जो फॉर्म फ्लो नल है उसको लगा के दिखाएंगे उसका प्रेशर, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, फॉर्म फ्लो नल जो है हम लोग लगा चुके हैं, अब आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि जो इसका पानी है वो किस तरह से इसका जो प्रेशर है वो है, और व्हाइट तरह का पानी आपको दिखता वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है दोस्तों। अभी देखो हम इसको ऑन कर रहे हैं, ये देखिए। तो जब ये फॉर्म फ्लो नल हम चालू करते हैं तो इसमें देखिए आपको एकदम व्हाइट कलर का दूध के जैसा आपको पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम फॉर्म फ्लो जो अंदर जाली लगा हुआ होता है उसमें एकदम जो कचरा वगैरह है वो छन के एकदम से इसमें पानी आता है दोस्तों। और ये देखिए नीचे गिरने के बाद इसकी जो छींटे हैं वो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इसकी जो छींटे है ना वो 3-4 इंच के अंदर ही है इसकी जो छींटे, ज्यादा ये नहीं उड़ता है पानी, ये फॉर्म फ्लो जो पानी होता है ज्यादा नहीं उड़ता है, और दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है, ये अपना व्हाइट कलर का दूध जैसा पानी निकलता है। तो अभी दोस्तों ये जो फॉर्म फ्लो नल है इसका टेस्ट कर दिए हैं हम लोग, अभी आपको जो रेगुलर बिबकॉक है उसका भी हम लोग टेस्ट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने जो रेगुलर वाला बिबकॉक है, रेगुलर फ्लो वाला, वो हमने लगा दिया है, अब इसको टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इसका जो पानी का प्रेशर है और जो पानी का आने का तरीका है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितना अच्छा है दोस्तों, उसके मुताबिक दोस्तों आपको बताऊंगा। अभी देखिए हम चालू कर रहे हैं,
ये देखिए अब ये जो रेगुलर वाला पानी है दोस्तों, ये देखिए हमने चालू कर दिया है। तो इसमें देखिए बिल्कुल भी एकदम रेगुलर फ्लो, जैसे नॉर्मल वाटर होता है वैसा इसमें फ्लो दिख रहा है दोस्तों, और एकदम रेगुलर वाटर जैसा ही आपको लग रहा है पानी इसका देखिए दोस्तों। और जो नीचे गिर रहा है पानी है दोस्तों, इतनी दूर दूर तक उड़ रहा है दोस्तों, ये देखिए पूरा पेंट गीला हो चुका है, ये देखिए मेरा इतनी ऊपर ऊपर तक ये पानी उड़ रहा है दोस्तों। तो ये जो रेगुलर फ्लो वाटर होता है ये दोस्तों, अगर हम बिल्डिंग्स वगैरह में लगाएंगे तो इसका जो वाटर फ्लो लेवल आपको दिखाई दे रहा है एकदम रेगुलर है, और जो छींटे हैं इसकी उड़ के सीधे अपने ऊपर आती है, देखिए पूरा पेंट आधे हाफ तक पूरा पेंट ही गीला हो चुका है देखिए दोस्तों। तो और जो वही अपना जो फोमफ्लो वाटर वाला बिबकॉक था उसमें दोस्तों पानी बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा था, वो जगह पे जहाँ गिरा वहीं दो इंच तक तीन इंच तक नॉर्मल उड़ रहा है, वो ज़्यादा उड़ता भी नहीं है और वो दूध कैसा पानी आता है। तो दोस्तों एक बार दोनों आपको एक साथ भी इसका दिखा देता हूँ वीडियो दोनों का, ये देखिए दोस्तों ये दोनों आपको वीडियो दिखा रहा हूँ एक साथ में, देखिए किस तरह से आपका जो है वो पानी आपको दूध की तरह दिखाई दे रहा है और यही पानी आपको ये नॉर्मल वाटर की तरह दिखाई दे रहा है, ये देखिए दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि प्रोजेक्ट वगैरह में जो है हम जो फोमफ्लो वाटर है वही लगाए तो बेस्ट रहेगा दोस्तों, बहुत जगह प्रोजेक्ट में ही फोमफ्लो ही लगता है। तो दोस्तों ये आज मेरे को आपको डिफरेंस बताना था कि रेगुलर फ्लो और फोमफ्लो बिबकॉक के बारे में। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को, और बेल आइकन को दबा के रखें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। इसी तरह से फिर आपसे नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।